गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जी एस टी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंड्स जी एस टी के अंदर अब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जी एस टी में रिफंड लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप इस सेशन में एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अब जीएसटी में रिफंड जो है वो अनरजिस्टर्ड परसन जो हैं वो भी कर सकते हैं और उनके लिए नोटिफिकेशन नंबर ट्वेंटी 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 टू के अंदर कुछ यहाँ पर अब ऑप्शंस दिया गया है जहाँ पर सर्टिफिकेशन वगैरह मांगा जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया है इस सर्कुलर नंबर वन एटी एट ने इस बार जो भी चीज़ें सर्कुलर और नोटिफिकेशन में आई हैं वो आपको हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में जो है वो देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर आया है ये किस चीज की बात करता है और ये किस तरीके से वर्क करेगा तो यहां पर बताया गया है यही कि इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए जहां पर ये पता लग रहा है कि अब जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनको भी रिफंड की रिक्वायरमेंट जो है वो आती है क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जा रहा है और जो वो जीएसटी का अमाउंट पे कर चुके हैं उसका एडजस्टमेंट नहीं मिल पा रहा क्योंकि सेक्शन 34 के अंदर जो क्रेडिट नोट को इश्यू करने का टाइम है वो भी जो है वो भी निकल गया है तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब रिफंड जो है वो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए अलाउ किया गया है तो इसमें जब आप आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए क्या प्रोसेस इनेबल करेंगे इन ऑर्डर टू इनेबल सच रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि वैसे लोगों के लिए जिनको अनरजिस्टर्ड रहते हुए रिफंड लेना है उनको रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करना है फिफ्टी फोर वन सेक्शन के अंदर केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैज बीन कैंसल्ड और द लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैज टर्मिनेटेड अ न्यू फंक्शनैलिटी ऐसे सिचुएशंस में जहां पर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को रिफंड लेना है तो उसके लिए एक न्यू फंक्शनैलिटी जो है वो डिजाइन करी गई है जीएसटी पोर्टल पे और वहां पर जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा अप्लाई फॉर द रिफंड अंडर कैटेगरी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन जी हाँ फ्रेंड्स जीएसटी पोर्टल पे अब आपको रिफंड फॉर यू आर डी पर्सन करके एक ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा फर्दर सब रूल टू ऑफ रूल एटी नाइन जो है वो अमेंड किया गया है जहां पर नोटिफिकेशन ट्वेंटी सिक्स ऑब्लिक ट्वेंटी ट्वेंटी टू से दो सब रूल इंसर्ट किए गए हैं के बी एंड के ए इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी डिस्कस किया है और इसमें जो सर्टिफिकेशन है कि दो लाख तक के केसेस में किस तरीके से आपको सर्टिफिकेशन कराना है उससे ऊपर जाते हैं तो सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा ये सारी चीजें इसमें बताई गई फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन जब आप बात करेंगे तो यहां पर एक रूल का जिक्र हुआ है रूल टेन बी इसका मतलब रूल टेन बी जो है यहां भी लागू हो जाएगा रूल टेन बी से मतलब यह है कि जब आप अनरजिस्टर्ड होते हुए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना मैंडेटरी है क्योंकि रूल टेन बी जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन की बात करता है डूइंग लेक्ट द सेम स्टेट विथ हिज और हर सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनवोइस रिफंड क्लेम्ड जिस सप्लायर के इनवॉइस के एवज में आपको रिफंड लेना है उस सप्लायर के रजिस्टर्ड स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे देर आफ्टर यू आर डी पर्सन वुड बी रिक्वायर टू गो अंडर आधार ऑथेंटिकेशन एज पर रूल टेन बी तो ये जो है मैंडेटरी है अनरजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू एंटर हिज बैंक अकाउंट इन विच ही सीक्स टू अपटेन रिफंड उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है जिसमें आपको रिफंड चाहिए और वो जो बैंक अकाउंट होगा वो उसके नाम से होना चाहिए और उसके पैन नंबर से लिंक किया होना चाहिए तो आधार ऑथेंटिकेशन प्लस पैन नंबर प्लस लिंक्ड बैंक अकाउंट जो है ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी द एप्लीकेशन फॉर रिफंड शेल बी फाइल्ड इन आर एफ डी जीरो वन जो हमारा एप्लीकेशन आर एफ डी जीरो वन में जाता है उसी के अकॉर्डिंगली जाएगा रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन और स्टेटमेंट जो वहां दी गई है रूल के ए एंड के बी के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेशन जो है वो सारी चीजें अपलोड कर दी जाएंगी इसके बाद एक सवाल आता है कि रेलिवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्या होगा दो साल का टाइम पीरियड कब से काउंट होगा तो यहां पर डेट ऑफ इशु ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट फॉर सप्लाई बाय द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सर्विस बाय द एप्लीकेंट यानी कि कि जो डेट ऑफ ऑफ लेटर होगा उसी दिन से माना जाएगा कि आपके दो साल का टाइम पीरियड जो है वो काउंट होने वाला है तो फर्दर दो रेलिवेंट डेट रहेगा इन केस ऑफ अ रिफंड बाय अ पर्सन अदर देन द सप्लायर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जा रही है कि किस तरीके से नॉर्मल सिचुएशन में डेट जो है वो काउंट होती है लेकिन यहां पर आपका जो डेट ऑफ कैंसलेशन लेटर है वहां से आपको दो साल का पीरियड चेक करना है इसके बाद मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ऐसा नहीं है हजार रुपए का रिफंड लेकर के पहुंच गए कि हमें रिफंड दे दो ऐसा नहीं होगा यहां पर जो मिनिमम अमाउंट यहां प्रेस्क्राइब किया गया है उसको यहां पर समझना होगा वन थाउजेंड रुपीज से कम का अगर आपका रिफंड है तो आपको <coughs> <coughs> रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं करना है वन थाउजेंड रुपीज से ऊपर का अमाउंट होने पे ही आपका एप्लीकेशन जो आप आर एफ डी जीरो भरेंगे उसको एंटरटेन किया जाएगा हजार रुपए अगर सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों मिला के होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि हजार रुपए जो है अंडर ईच एक्ट आपको चेक करना है हजार हजार रुपए दोनों एक्ट में होना चाहिए तभी आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस करके दिया जाएगा तो रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए यह अब एक ऑप्शन तैयार करके दिया गया है जिसका बेनिफिट अब आप ले सकते हैं चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं आपको यह पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि रिफंड इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो किस तरीके से होगा और उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे थैंक यू एंड अ नाइस डे